दिगंबर मानसरोवर की राजहंस संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समतापूर्वक समाधि मरण के उपरांत सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा कीर्ति स्तंभ पर रविवार की शाम को सर्वधर्म व सर्व समाज विनयांजलि सभा का आयोजन किया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित जनों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें साक्षात भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का दर्शन सानिध्य और आशीर्वाद मिला है। उनके दिव्य रूप के विषय में बताया गया है कि जिस युग में भगवान श्री राम श्री कृष्ण ने जन्म लिया था उस युग में हम नहीं थे, परंतु हम भाग्यशाली हैं कि जिस युग में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जन्म लिया उस युग में हमें उनका साक्षात दर्शन मिला है। विनयांजलि सभा में पिछौर भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के प्रतिनिधि रूप में उनकी बड़ी बेटी राकेश लोधी, विश्व हिंदू परिषद संगठन आरएसएस, विद्यार्थी परिषद, क्षेत्रीय महासभा, करणी सेना, समस्त राजनीतिक पार्टियों एवं समस्त प्रशासनिक अधिकारी व शासन वर्ग के साथ समस्त पार्षदगण, जैन समाज और सर्व समाज ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये क्या 30 साल से यहाँ कांग्रेस का विधायक रहा? कांग्रेस के विधायक ने हर समाज के साथ अनदेखी की। मैंने पहले भी बाबा साहब की मूर्ति लगाने में आवाज उठाई थी, जो कोई आवाज उठाता था उसकी आवाज को दबा दिया जाता था। मैंने आवाज उठाई बाबा साहब के लिए तो मेरे पे भी केस लगा दिए थे, आप सबको पता होगा। खनिया जाने में जो कोई आवाज उठाता था उसकी आवाज को दफन करने का काम कांग्रेस का विधायक करता था। ऐसे ही इनने जन समाज के साथ किया। जन समाज स्तंभ लगाना चाह रही थी, नहीं लगने दिया, वो भी साइड में लगाया। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, हम इसको फ्रंट पर लाना चाहते हैं, हमारी कोशिश है और हम इसको फ्रंट पर लाएंगे, और ताकि जैन समाज के साथ जो पहले अनदेखी हुई है उनके सब न्याय हो सके। उनके भी ऐतिहासिक धरोहर हैं सारी समाजों की, जब ऐतिहासिक धरोहर हैं अगर हम पूर्वजनों को याद नहीं करेंगे तो अगली पीढ़ी को हम कैसे बताएंगे कि हमारे पूर्वजनों ने क्या किया था। उसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। और भी मैंने चीज देखी है यहाँ पर 30 साल के जो विधायक ने सारी समाजों के जितनी भी प्रतिमाएं और जितने भी